नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डेटा एंट्री करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एक्सेल में अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए टाइपिंग स्पीड। आपका टाइपिंग स्पीड जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे आप बिना VBA को यूज़ करके सिर्फ एक फॉर्म के द्वारा आप इजीली बहुत ही कम समय में बहुत सारे डेटा को एंट्री कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स नाम से एक फॉर्मेट को यहाँ पर डिज़ाइन कर लूँगा एक्सेल में। तो इसके लिए मैं पहला वाला रो को छोड़ के नीचे सबसे पहले लिखूंगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। फिर मैं यहाँ पे इन सारे सेल को थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। सारे सेल को एक ही साथ एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और किसी भी कॉलम को आप यहाँ से बड़ा करेंगे तो सारे कॉलम एक ही साथ बड़ा हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगा होम टैब और होम टैब से अलाइनमेंट ग्रुप से सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट को यहाँ पे चूज़ कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर का जो सेल है इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा और ऊपर सारे सेल को मार्च करके मैं लिखूँगा स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं इन सेल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा होम टैब। होम टैब से यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही ये मर्ज हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। फिर मैं यहाँ पे इस रो को थोड़ा बड़ा कर दूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐसे इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर दूँगा। फिर मैं जाऊँगा होम टैब और होम टैब से फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये मैंने फॉन्ट साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। अब इसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद नीचे जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम लिखा है इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम जाएंगे होम टैब और इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसके बाद इसको भी थोड़ा बोल्ड अप्लाई कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर पूरा शीट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा होम टैब और होम टैब से एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चूज़ कर देंगे। तो ये वाला फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिया है। ये हो गया। अभी ऊपर जहाँ पे मैंने स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बैक कलर और फोर कलर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया बैक कलर और यहाँ से फॉन्ट कलर आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर को चूज़ कर दूँगा। फिर नीचे इनको भी सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद इनका भी एक बैक कलर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फिल कलर बटन से यहाँ पर आप कोई भी कलर को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सेल बॉर्डर अप्लाई करूँगा। इसके लिए मैं कुछ सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा होम टैब और यहाँ से देखिए बॉर्डर्स बटन है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। ये है पूरा फॉर्मेट। अब मैं आपको पूरा डेटा एंट्री का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। डेटा एंट्री जो है वो मैं यहाँ पे फॉर्म के थ्रू करूँगा। इसके लिए सबसे पहले फॉर्म ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना होगा। इसके लिए मैं जाऊँगा ऑफिस बटन और यहाँ से आपको एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करना है। एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको कस्टमाइज ऑप्शन में क्लिक करना है। कस्टमाइज और ऊपर से आपको कमांड में ऑल कमांड चूज़ कर लेना है। फिर आपको इस बॉक्स से फॉर्म ऑप्शन कहाँ पे है इसको ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये है फॉर्म ऑप्शन। इसमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऐड में जाके क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक करने के साथ ही वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। ये फॉर्म ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। फिर नीचे हम ओके में आके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर फॉर्म ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है। इस फॉर्म बटन को यूज़ करके ही हम यहाँ पे डेटा एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर को पहले ऐड कर लेता हूँ। तो सीरियल नंबर में आपको 1, 2 लिखना है। फिर उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एंड तक ड्रैग कर देंगे।
तो ड्रैग करने के साथ ही ये ऑटोफिल हो जाएगा। ये देखिए सीरियल नंबर हमारा यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म ऑप्शन को ऐड करूँगा। स्टूडेंट नेम से कॉन्टैक्ट नंबर तक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्म में, और फॉर्म में जाके एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको ओके में क्लिक करना है। करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो सारे जो कॉलम नेम मैंने वहाँ पे लिखा था, जैसे कि स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे वन बाई वन यहाँ पर आ गया है। आपको यहाँ पे सारे डेटा को वन बाई वन यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के साथ ही ऑटोमेटिकली वो डेटा आपके टेबल में जाके ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ डेटा ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद मैं लिखूँगा फादर्स नेम, फिर जेंडर, एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आप यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हो, या फिर न्यू में क्लिक करके दूसरा डेटा ऐड भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू में क्लिक किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल में ऐड हो गया है। फिर दूसरा डेटा अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखूँगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम, फिर जेंडर, फिर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आपको और डेटा ऐड करने के लिए आपको न्यू में क्लिक करना है। तो सारे सेल यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे, आप यहाँ पे डेटा को इजीली ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे थर्ड डेटा ऐड करूँगा, स्टूडेंट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम, फिर जेंडर, इसके बाद एड्रेस और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। फिर एक बार एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा तीन डेटा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब चाहो तो आप किसी भी डेटा को यहाँ से डिलीट या फिर प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फाइंड प्रीवियस में क्लिक करूँगा तो प्रीवियस जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। मान लीजिए ये वाला डेटा मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो जस्ट डिलीट में क्लिक करेंगे और एक बार ओके करेंगे तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मेरे टेबल में अभी दो ही डेटा मौजूद है। अगर आप फिर से नया डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आपको न्यू में क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी भी डेटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है स्टूडेंट का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर्स नेम और जेंडर, फिर एड्रेस और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। जस्ट एक बार एंटर करेंगे, एंटर करने के साथ ही वो डेटा भी आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लास्ट डेटा के साथ मेरे टेबल में अभी तीन डेटा मौजूद है। तो दोस्तों आप एक्सेल में फॉर्म को यूज़ करके बहुत सारे डेटा को एकदम कम टाइम में इजीली एंट्री कर सकते हो।